ये क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स। अभी के इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो अपलोड हो चुके हैं, नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो उन सभी वीडियो को यदि आप लोग देख लेते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आपका बहुत ही अच्छा तैयारी हो रहा है अभी, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको 41 नंबर से यहाँ पर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का तैयारी करवाऊंगा। उसके पहले मैंने 40 नंबर जाकर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, या फिर आप लोग क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है तो वहाँ पर से आप लोग जा करके देखिएगा। अभी आप इस वीडियो में आगे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको मैं बेहतरीन में यहाँ पर समझाने वाला हूँ, कोई भी डाउट रहने को नहीं दूंगा। देखिए यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन इधर क्या कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है जिसमें से एक हमारा करेक्ट होता है। ए में हमारा क्या बढ़ती है, बी हमारा घटती है, सी हमारा शून्य हो जाती है, डी उतनी ही रहती है। क्वेश्चन समझ में आया आपको। देखिए किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, ठीक है। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग बनाइए, या फिर आप लोग को यदि पता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे चलिए आपको मैं ये क्वेश्चन मैं पेज में इधर में समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या पूछा गया, किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए ये जैसे कि ये जैसे हमारा देखिए जैसे कि U बराबर, यदि हम लोग यू ई देखें विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ई मतलब विद्युत और ये हम लोग स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही ना होता है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। मतलब जैसे देखिए ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस पर हमारा कुछ आवेश होगा, वही आवेश हमारा Q1 और Q2 है, ठीक है। तो इन आवेश को एक दूसरे के हम लोग क्या करेंगे, पास लाएंगे, ठीक है। तो पास लाएंगे तो क्या होगा, इसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, यहां पर समझिए, यहां पर आप लोग समझिए। जैसे कि देखिए ये तो हमारा यहां पर ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो UE हमारा क्या हो जाएगा, UE समानुपाती किसका है, Q1 Q2 का, यहां से आपको समझ में आया, ये तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट मान है, ठीक है ना। इसका मान कितना होता है, 9 × 10^9 होता है। ऐसे यहां पर देखिए ये जो QE जो है वे हमारे किसके समानुपाती होगा, Q1 Q2 का समानुपाती होगा, ठीक है, और ये व्युत्क्रमानुपाती किसका होगा, समानुपाती मतलब अनुपात अनुक्रमानुपाती, ठीक है, इसी को हम लोग समानुपाती अनुक्रमानुपाती कहते हैं। और व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा उसके डिस्टेंस के, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से यानी कि 1/r² हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि ये व्युत्क्रमानुपाती किसका होगा, हमारा उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन के पास लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पास ला रहे हैं, ठीक है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम लोग पास ला रहे हैं, ठीक है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, आप लोग समझिए, इलेक्ट्रॉन को हम लोग पास ला रहे हैं मतलब डिस्टेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा, ये से ये Q1 है, ठीक है, और ये वाला हाँ Q2 है, ठीक है, इसके डिस्टेंस को हम लोग जो है ना, इसके डिस्टेंस को हम लोग कम कर रहे हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके यह क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ गए आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या है, इसके डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उसके डिस्टेंस को हम लोग कम करेंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस को बड़ा करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा हमारा घट जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पूछा गया था कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अब आप लोग समझ चुके हैं, तो अब समझ करके जब बताएंगे तो वह हमें हमेशा के लिए याद रहेगा, तो मतलब यह क्या होगा, बढ़ती है, ठीक है, याद हो गया, कोई डाउट नहीं है। चलिए तो यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 42 आ रहा है। देखिए ये अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 इधर क्या कहता है कि धारिता सी एवं विभव भी का संधारित्र में संचित ऊर्जा, ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब यहां पर आपको बताना है ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन को आप लोग रीड कर लीजिए और बताइए, वैसे तो मैं आपको समझाऊंगा ही, इसमें कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कितने जन इधर कमेंट करते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए धारिता सी एवं विभव वी का संधारित्र में संचित ऊर्जा पूछा गया, तो ये वाला तो सबको पता है, संचित ऊर्जा आपने निकालने को सीखे हैं, ठीक है, तो इस वे क्या होता है, हमारा 1/2 CV² होता है, ठीक है, तो संचित ऊर्जा
कितना होती है, तो 1/2 CV² यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 1/2 CV² ये वाला ना ऑप्शन बी इधर करेक्ट हो जाएगा इधर हमारा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि धारिता सी एवं विभव वी का संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो संचित ऊर्जा आपने निकालने को सीखे गए हैं, ठीक है तो वहां पर क्या होगा 1/2 CV² होता है, ठीक है। चलिए तो यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन तो यहीं पर मेरा बन गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, ये वाला आपको वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर बनाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, बहुत ज्यादा इजी है और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इसीलिए आप सभी वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तैयारी कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ कंप्यूटर साइंस की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवा दी है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अभी फिजिक्स का भी मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फायदा आप लोग उठाइए, ठीक है ना। देखिए और यदि जो बच्चे यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के हैं तो वे कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए हैं, आप लोग जा करके देखिएगा तो एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन आप लोग मार्क्स लाएंगे, ठीक है। देखो तो यहां पर हमारा 43 नंबर क्वेश्चन इधर क्या कहता है कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित प्रत्येक 1 माइक्रोकुलम दिया गया, ठीक है। माइक्रोकुलम है तो कुलम में चेंज कर लेंगे, 10^-6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल वीडियो भी मेरे प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर के सभी न्यूमेरिकल को यदि कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन आपके न्यूमेरिकल में भी तैयारी हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, निर्वात में एक मीटर की दूरी पर स्थित प्रत्येक 1 माइक्रोकुलम के 2, ठीक है, बिंदु आवेशों की स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा निकालना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन समझ गए। अब यहां पर देखिए 4 ऑप्शन है जिसमें से एक हमारा करेक्ट होगा, आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए चलिए आपको मैं ये वाला पेज में समझा देता हूं, ठीक है, जिसको इसको पता है वे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। देखिए तो यहां पर हमारा क्या, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित प्रत्येक 1 माइक्रोकुलम के 2 बिंदु आवेशों की स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा, ठीक है। देखिए ये 2 बिंदु आवेश दिया गया है और ये हमारा Q1 है, ठीक है, और ये हमारा Q2 है, ठीक है। 2 बिंदु आवेश है, ये हमारा Q1 और ये हमारा Q2 है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस जो है वे हमारा कितना दिया गया है, 1 मीटर दिया गया है। क्वेश्चन को समझिए बढ़िया से, ठीक है। और ये जो हमारा Q1 जो है वे हमारा कितना है, 1 माइक्रोकुलम है, और Q2 भी हमारा क्या है, 1 माइक्रोकुलम है, ठीक है। चलिए तो यानी कि ये Q1 जो है वे हमारा कितना दिया, 1 माइक्रोकुलम, माइक्रोकुलम को कुलम में चेंज करें तो 1 × 10^-6, मतलब माइक्रोकुलम हमारा बहुत ही माइक्रोकुलम को जब हम लोग कुलम में चेंज करते तो क्या करते हैं उसमें हम लोग 10^-6 से मल्टीप्लाई करते हैं, चूंकि माइक्रोकुलम बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, इसको हम लोग कूलम के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे किस में बदल जाएगा, कूलम में बदल जाएगा, माइक्रोकुलम था, माइक्रोकुलम को कूलम में कर ले, 10^-6 से मल्टीप्लाई कर देना है। और ये वाला भी हमारा 1 माइक्रोकुलम है, तो 1 माइक्रोकुलम कूलम में चेंज करेंगे तो यानी 1 × 10^-6 कर देना होगा, तो ये हमारा कूलम में बदल गया, ठीक है। कि 2 बिंदु आवेशों की स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, यू, ठीक है। तो यू बराबर आपको फॉर्मूला पता है कि कितना होता है हमारा, 1/4 πε₀, ठीक है, और ये हमारा होता है Q1, ठीक है, Q1 Q2 r², ठीक है। चलिए तो यही वाला हमें यहाँ पर क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। ऐसे तो हम लोग दो आवेशों के हम लोग फोर्स भी निकालने को जानते हैं, वो वाला फॉर्मूला क्या होता है, यही वाला फॉर्मूला होता है 1/4 πε₀ Q1 Q2 r², ठीक है। और यहाँ पर जब भी आपको कहे कि विद्युत, ठीक है, स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा निकालना है तो ये वाला आपको फॉर्मूला लगा करके बनाना है, ठीक है। एग्जाम में यहाँ पर 1 मीटर की जगह दूसरा लिखा हो सकता है और इस जगह पर दूसरा लिखा हो सकता है, ठीक है, और ऑप्शन में चेंज हो सकता है, आप लोग बना लेंगे, ठीक है। देखिए आपको मैं इसीलिए समझा रहा हूँ, तो यू बराबर क्या हो गया, 1/4 πε₀ Q1 Q2 r² हो गया, ठीक है। चलिए और यहाँ पर देखिए 1/4 πε₀ का मान तो आपको पता है कितना होता है, 9 × 10^9 होता है, और ये हमारा Q1 कितना है, 1 × 10^-6 कूलम है, और ये वाला भी हमारा Q2 कितना है, 1 × 10^-6 कूलम है, ठीक है। और उनके बीच के डिस्टेंस कितना, 1 यानी कि 1 मीटर है, तो यहां r² करना होगा, यानी कि 1² कर देना होगा, ठीक है। तो 1² 1 ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो यहां पर हमारा जो है वे हमारा 9 इधर रह गया, और × 10^9 है, ठीक है, और ये -6 है, और ये वाला -6 है, 1 से मल्टीप्लाई करने से उतना ही होता है, ठीक है। तो ये वाला हमारे इधर कितना हो जाएगा, 9 × 10^9, ये 9 हो गया, ठीक है, और ये हमारा -6 कितना होगा, -12 हो जाएगा। चलिए और एक बार हम लोग लिख लेते हैं, 9 × 10^-3, और ये हम लोग क्या निकाले हैं, अभी हम लोग स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा, यानी कि ये हमारा यू निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा स्थिति ऊर्जा निकाले, स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा इसका मात्रक। तो इस प्रकार से मात्रक यहां पर सीबी है, जूल हो जाएगा। और ये वाला चलिए हम लोग देखते हैं, ये वाला ऑप्शन कौन सा है, 9 × 10^-3 ना, तो 9 × 10^-3 देखिए तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना,
चलिए तो ये वाला देखिए इधर हमारा ऑप्शन सी में है ना, तो ऑप्शन सी इधर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए 9 to 10 to the power -3 जूल हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। देखिए ये अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। देखिए क्वेश्चन एकदम बढ़िया से दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 इधर क्या कहता है, देखिए विद्युत आवेश 100 माइक्रोकुलम, ध्यान से समझिए, विद्युत आवेश 100 माइक्रोकुलम के कारण इससे 9 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होगा। देखिए आपको यदि फॉर्मूला पता है ना तो सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको तो मैं समझाऊंगा ही, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। चलिए आपको मैं फॉर्मूला बता दूं क्या विद्युत विभव निकालने का, तो विद्युत विभव भी बराबर क्या होता है 1/4πε0qr, वहां से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यानी कि 1/4πε0 ये क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। चलिए इसका मान आप लोग 9 to 10 to the power 9 पुट अप कीजिए और एक बार जरूर आप लोग बनाइए, ऐसे तो मैं यहाँ पर समझाऊंगा ही, कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर विद्युत आवेश दिया गया 100 माइक्रोकूलम, चलिए आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए ये वाला आपको मैं पेज में समझाता हूँ तो बेहतरीन आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए हमारा ये वाला ऑप्शन को आप लोग रीड कर लिए है ना, चलिए आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है। यहाँ पर देखिए विद्युत आवेश दिया गया 100 माइक्रोकूलम के कारण इससे 9 मीटर की दूरी पर इतना विद्युत विभव निकालना है, ठीक है। चलिए तो हमारा जो आवेश जो है, आवेश यानी कि क्यू हमारा कितना दिया गया है, 100 माइक्रोकूलम दिया गया है, और माइक्रोकूलम हम लोग माइक्रोकूलम बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, इसको कूलम के रूप में लिखेंगे, तो क्या करना होगा 100 × 10⁻⁶ ये कूलम में हमारा चेंज हो जाएगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस जो है वे हमारा आर दिया गया है 9 मीटर दिया गया है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है, विद्युत विभव बोले तो भी, ठीक है, और भी बराबर क्या होगा 1/4πε0qr, ठीक है। चलिए तो यहां से आप लोग निकाल लीजिएगा फॉर्मूला, सभी फॉर्मूला को आपको याद होना चाहिए, और मैं जितने फॉर्मूला बोल रहा हूं आपके कॉपी में होना ही चाहिए, ठीक है। और जितने जितने क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको उतारना चाहिए तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, ठीक है। देखिए 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ हमारा 9 होता है, और ये जो क्यू जो है ये वाला क्यू, ठीक है। चलिए इसका मान हम लोग पुट अप करते हैं तो 100 × 10⁻⁶ हो गया, और इनके बीच का डिस्टेंस हमारा 9 मीटर में है, ठीक है, उसका मात्रक मीटर में ही हम लोग लिखेंगे। यदि सेंटीमीटर रहेगा तो किस में बदलना है आपको, मीटर में बदल लेना है, ठीक है। 10⁻²² से मल्टीप्लाई कर देना, सेंटीमीटर रहेगा तो मीटर में बदल जाएगा, क्लियर, कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है। चलिए तो अब चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, बहुत ज्यादा इजी है, 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से हमारा 10⁻⁹ रह गया, ठीक है, और ये हमारा 10⁻²² के रूप में है, तो इधर हमारा +2 हो जाएगा, और ये -6 है, -6 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए जल्दी से, 10⁻² इधर हमारा क्या हो जाएगा, 9 × 2 = 11 हो गया, -6 हो गया। चलिए और एक बार हम लिख लेते हैं एक एक करके, ठीक है, तो 10⁵ वोल्ट निकल गया। चलिए यही तो अब इतना निकल गया ना हमारा, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में इधर है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, कौन सा ऑप्शन में इधर 10⁵ वोल्ट। चलिए देखिए तो 10⁵ वोल्ट जो है वे हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी क्वेश्चन आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और सभी क्वेश्चन, सभी वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ये सब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में बहुत बेहतरीन आप लोग मार्क्स ला सकें, ठीक है। एमसीक्यू टाइप का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है, आप बस सभी वीडियो को देखिए। तो 44 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर इधर क्या कहता है, ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 45 इधर बहुत ज्यादा ईजी है, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके बनाइए। देखिए 3 संधारित्र जिसमें कि प्रत्येक की धारिता हमारा सी दिया गया है, ठीक है, कितने संधारित्र है हमारा, 3 संधारित्र, कितने संधारित्र है, 3 संधारित्र, और जिसके संधारिता जिसकी जो धारिता जो है वे हमारा सी दिया गया, ठीक है, और वे हमारे क्या श्रेणी क्रम में जो रहे, तो उनकी तुल्य धारिता कितना है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन ये वाला, आप लोग एक बार जरूर बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये वाला आपको मैं इधर पेज में बताता हूँ, ठीक है। देखिए चलिए ये वाला आपको मैं इधर पेज में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या 3 संधारित्र जिसमें कि प्रत्येक धारिता सी दिया गया, हमारा 3 संधारित्र है, और वे क्या श्रेणी क्रम में जो रहे, 1 संधारित्र 2 संधारित्र 3 संधारित्र, और इसकी जो धारिता जो है वे हमारा दे दिया गया सी, इसकी भी धारिता सी, इसकी भी धारिता सी है, ठीक है, और ये 3 संधारित्र, ये हमारा संधारित्र C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है, और इसके C1 की धारिता सी है, C2 की भी धारिता सी है, और C3 की भी धारिता सी है, ठीक है। चलिए और ये वाला हमारे क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनकी तुल्य धारिता निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका तुल्य धारिता, ठीक, तुल्य धारिता हम लोग निकालेंगे, और श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम धारिता जब रहे तो उसको हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, 1/C लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं 1/C1, ठीक है, 1/C1,
वन बाई सी वन, चलिए एक बार लिख लेते हैं, वन बाई सी टू और ये वाला प्लस वन बाई सी थ्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वन बाई सी रह जाएगा और वन बाई सी वन का मान हमारा सी है, तो यानी कि वन बाई सी हो गया, सी टू का भी मान हमारा सी है, वन बाई सी हो गया, प्लस सी थ्री के भी मान हमारा सी है, तो यानी कि वन बाई सी हो गया। अब ये वाला क्या हो जाएगा, वन बाई सी हो जाएगा, ये सी सी, चलिए ये वाला तो आपको सॉल्व करने आता है, इधर थ्री हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम लोग ये वाला सी निकाले, धारिता निकाले वन बाई सी है, तो सी हम लोग करेंगे, तो ये हमने इधर पलट दिया, तो ये वाला भी इधर पलट देना होगा, तो यानी कि यह क्या हो जाएगा, ये और क्या देखे थ्री बाई, ये वाला क्या थ्री बाई सी आया, तो ये वाला जब हम लोग इसे पलट देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सी बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई डाउट नहीं है यहाँ पर आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सी बाई थ्री, ये वाला ऑप्शन हम लोग देखेंगे किस में है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इधर करेक्ट है, सी बाई थ्री आया हमारा, ठीक है, सी बाई थ्री। देखिए तो ये हमारा सी बाई थ्री, ये हमारा क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये वाला आपको सी सी लग रहा है, मिल जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग एस लिख सकते हैं, चूंकि ये हमारा क्या सीरीज में है, ठीक है। चलिए तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है तक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। और यदि हमारा समांतर क्रम में रहता, तो समांतर क्रम में चलिए आपको मैं बता देता हूँ, उधर समांतर क्रम में जब रहता तो आपको क्या करना था, इधर डायरेक्टली बन जाता, इधर बहुत ज़्यादा ईजी है। समांतर क्रम में जब रहेगा देखिए तो क्या करना होगा, तो समांतर क्रम में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। समांतर क्रम में ये तो हमारा सीरीज था और हमारा पैरेलल में अब है, तो ये क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, ठीक है। तो समांतर तो तीनों का तो हमारा धारिता सी 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 है, तो यह क्या थ्री सी हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, थ्री सी आ जाएगा, ठीक है। तो समांतर क्रम में जब रहता तो ये हमारा क्या होता, थ्री सी रहता, और अभी हमारा तो श्रेणी क्रम में बोला गया, तो श्रेणी क्रम में हमारा क्या हो गया, सी बाई थ्री आ गया, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन इधर क्या हो गया हमारा, इधर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो 45 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर, ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 इधर क्या कहता है, देखिए कि विद्युत क्षेत्र ई एवं विद्युत विभव भी के बीच संबंध, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये वाला, इसमें से चार ऑप्शन है जिसमें से एक हमारा करेक्ट है, ठीक है। इसमें से आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ए ऑप्शन क्या कहता है, ई बराबर माइनस डी आर बाई डी वी। बी ऑप्शन है हमारा ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। सी ऑप्शन हमारा ई बराबर डी आर बाई डी वी। और डी हमारा है ई बराबर डी वी बाई डी आर, ठीक है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र ई और किसमें, विद्युत विभव भी के बीच संबंध, ठीक है। तो इसका चलिए आपको बता दो, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वे हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, जो कि क्या होगा, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। यही ई और वी के बीच क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है ना। तो 46 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, याद कर लीजिएगा, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। देखिए ये वाला अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 इधर क्या कहता है, देखिए किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव पूछा गया है यहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित, ठीक है, किसी बिंदु पर विभव का मान समानुपाती होता है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया, यहाँ पर हमने ये नहीं पूछा है कि आवेश के कारण, ठीक है, एक आवेश के कारण, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसी प्रकार के पहले मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, उस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, इसके पहले देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, या फिर उसमें मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि विद्युत आवेश, ठीक है, 100 माइक्रो कूलम के कारण इसमें 9 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान, ठीक है। तो वहां पर जो वी जो होगा वह हमारा विद्युत आवेश के कारण था, जो कि क्या होता है वहां पर, वी बराबर 1/4 πε₀ Q/R, ठीक है। तो वहां पर तब समानुपाती क्या होता, 1/r होता, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए क्या कहा गया है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान समानुपाती होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें देखिए हमारा जो फॉर्मूला जो होता है वे हमारा क्या होता है, इसमें हमारा फॉर्मूला होता है भी, ठीक है। एक तो होता है हमारा अक्षीय स्थिति के लिए और एक होता है हमारा निरक्षीय स्थिति के लिए, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखिए वी पी अक्षीय स्थिति के लिए बता रहे हैं, तो वह हमारा क्या होता है, प्लस माइनस 1/4 πε₀ पी कॉस, ठीक है, पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस इसलिए है क्योंकि हमारा अक्षीय स्थिति में प्लस की ओर और फिर हम लोग माइनस की ओर लिए हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस लगता था। और यहाँ पर थीटा की जगह अक्षीय स्थिति बोले गए हैं, तो अक्षीय स्थिति मतलब यहाँ पर क्या बैठाना होगा, 0 डिग्री बैठाना होगा। तो यानी कि ये हमारा आ जाएगा, प्लस माइनस रहेगा 1/4 πε₀ पी, ठीक है। कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, चूंकि अक्षीय स्थिति में बोले गए हैं, तो अक्षीय स्थिति में 0 डिग्री होगा, ठीक है। अक्षीय स्थिति मतलब उसी डायरेक्शन में हमारा, तो अक्षीय स्थिति यहां पर क्या कितना का, 0 डिग्री का, यानी कि कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो यानी कि चलिए इसको नहीं लिखते हैं, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, यानी कि पी बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर आपका पूछा गया है कि बिंदु पर विद्युत विभव का मान समानुपाती होता है, उनका दूरी ना,
दूरी पर स्थित, कितने दूरी पर स्थित, ठीक है, ध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान समानुपाती होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें से इसका राइट ऑप्शन जो होगा वह हमारा सी होगा, क्योंकि यहां पर देखिए भी जो है वह समानुपाती किसका है, 1/r², यानी कि r का क्या है, ये वाला व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, तो यानी कि समानुपातिकता का चिन्ह ये वाला है, तो यानी कि भी जो है वह क्या होगा, 1/r², इसका समानुपाती होगा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। ये तो मैंने बता दिया अक्षय स्थिति के लिए, और निरक्षय स्थिति के लिए भी यहां पर डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो देखिए निरक्ष स्थिति के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो निरक्ष स्थिति मतलब कि वे हमारा क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा, ठीक है, निरक्ष स्थिति मतलब 90 डिग्री पर होगा, तो यानी कि ये वाला जो हमारा जो वीपी जो है विद्युत दुधुर के कारण हम लोग निकाल रहे हैं विभव, तो यहाँ पर वीपी बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए और निरक्ष स्थिति के लिए बोले गए ना, तो निरक्ष स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री, तो बस तब यही फॉर्मूला में आप लोग बता दीजिएगा कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है, तो कॉस 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, तब 0 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर चलिए हमें डायरेक्टली यहीं पर बता दें, निरक्ष स्थिति के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा पूरा जो विभव जो है वही हमारा शून्य हो जाता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर अक्षय स्थिति में देखा और ये जो समानुपातिकता क्या होगा, 1/r² का होगा, ठीक है, समझ गया सब कुछ, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 बन जाता है, समझ में आ गया है ना। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर चलिए आपको मैं वो क्वेश्चंस में दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, चलिए देखिए, तो यही वाला क्वेश्चन नंबर 44 था जिसमें मैंने आपको समझाए थे, तो यहाँ पर भी बराबर क्या होगा, 1/4πε0Q/r, ठीक है, यहाँ पर यदि पूछता विद्युत आवेश के कारण तो ये समानुपाती किसका होता, और भी समानुपाती 1/r होता, ठीक है, ये वाला डिस्कशन मैंने कर चुके थे, और यहाँ पर लेकिन 48 नंबर क्वेश्चन में इधर हमारा क्या 47 नंबर, ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन में विद्युत दुधुर के कारण पूछा गया है, तो यानी कि ये वाला इसके पास फॉर्मूला होता है, इसलिए से हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन इधर क्या कहता है, किसी संधारित्र का मूल उपयोग क्या है, कोई संधारित्र का मूल उपयोग क्या होता है, ऊर्जा संचयन, बी हमारा आवेश संचयन, सी हमारा ऊर्जा एवं आवेश संचयन, और डी हमारा इनमें कोई नहीं। देखिए चलिए आपको मैं समझाता हूँ, देखिए संधारित्र का जो मूल उपयोग जो होता है वह हमारा ऊर्जा संचयन के लिए भी होता है और आवेश संचयन के लिए भी होता है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, जो कि ऊर्जा एवं आवेश संचयन दोनों के लिए होता है, तो इस प्रकार से 48 नंबर के इधर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 इधर क्या कहता है, देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, कोई विद्युत क्षेत्र में विद्युत दुधुर पर लगने वाला बल कितना होगा, कोई विद्युत क्षेत्र में विद्युत दुधुर पर लगने वाला बल, ये सब तो आप लोग जानते हैं, बस आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है, ए हमारा शून्य है, बी हमारा Q×2L है, और सी हमारा QL/2 है, और डी हमारा इनमें कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में पूछा गया विद्युत दुधुर पर लगने वाला बल, यानी कि टाउ, ठीक है ना, टाउ, तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये 49 नंबर क्वेश्चन और 50 नंबर क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को जब आपको मैं जब बता दूंगा तब यहाँ पर कंसेप्ट एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा गया विद्युत क्षेत्र में पूछा गया, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र यानी कि हम लोग उसी डायरेक्शन में लेंगे एक बार, क्योंकि यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में हमने बोल दिया इधर 90 डिग्री में, चलिए आपको मैं बताता हूं, सबसे पहले 49 को इधर देख लीजिए, 50 नंबर क्वेश्चंस में उसके बाद आते हैं। तो इसमें देखिए पूछा गया यहां पर बोला गया है किसी विद्युत क्षेत्र में, यानी कि हम लोग यहां पर समझेंगे उसी डायरेक्शन में है, ठीक है, या फिर थीटा बराबर यहां पर 0 डिग्री होगा, या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन उसी के समांतर, लेकिन तो यहां पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और आपको यहां पर पता है टाउ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पीई साइन थीटा का होता है, ठीक है, पीई साइन थीटा का होता है, और यहां पर देखिए थीटा बराबर एक बार हम लोग 0 डिग्री बैठाएंगे और एक बार 80 डिग्री बैठाएंगे, 180 डिग्री बैठाएंगे, तो साइन 0 का मान भी 0 होता है, साइन 180 का मान भी 0 होता है, ठीक है, तो यानी कि टाउ बराबर इधर हमारे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि टाउ बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत दुधुर पर लगने वाला बल कितना होगा, विद्युत दुधुर पर लगने वाला बल शून्य होगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जब मैं अभी मैं बताऊंगा आपको, तो मैंने यहां पर समझा दिया फॉर्मूला के हिसाब से भी, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन देखिए लगभग एक ही जैसा क्वेश्चन है, बस यहां पर 90 डिग्री दे दिया गया पहले से, अब यहां पर साइन के जगह पर थीटा के जगह पर 90 डिग्री मान बैठाना है और बनाना है, तो यानी कि इसका ये 49 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत दुधुर पर लगने वाला बल कितना होगा, तो हमारा शून्य होगा, आपको मैंने निकाल के दिखा दिया, ठीक है, निकाल के दिखा दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 बन जाता है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के, और देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि यहां पर क्या कहता है, देखिए आघूर्ण पी वाले किसी विद्युतीय दुधुर के विद्युत दुधुर को समरूप विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस को देखिए यहाँ पर यही वाला क्वेश्चंस लगभग एक ही जैसा क्वेश्चन है, बस दो प्रकार के पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया विद्युत क्षेत्र में, तो हम लोग यहाँ पर समझ रहे, चूंकि यहाँ पर लिखा नहीं गया उसके समांतर है, ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पर समझा कि उसी डायरेक्शन में उसी के समांतर या फिर उसके विपरीत डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, चलिए यानी कि यहाँ
पर थीटा बराबर 0 डिग्री और 180 डिग्री की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, विद्युत क्षेत्र तो इधर समरूप ही है, तो विद्युत क्षेत्र में ठीक है, और जो कि यहाँ पर क्या 90 डिग्री से घूर्णित करने में किया गया कार्य कितना होगा, यानी कि वे हमारे थीटा बराबर 90 डिग्री दिया गया था, यानी कि टाउ बराबर क्या होता है आपको फॉर्मूला पता है, पी साइन थीटा होता है ठीक है, और थीटा के जगह पर हम लोग क्या बैठाने वाले हैं अब 90 डिग्री बैठाने वाले हैं ठीक है, तो यानी कि टाउ बराबर क्या हो जाएगा पीई, और यहाँ पर देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है ना, तो यानी कि टाउ बराबर इधर क्या हो जाएगा पीई हो जाएगा, कितना इजी क्वेश्चन था ये वाला ठीक है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का इधर हमारे क्या हो गया टाउ बराबर पीई, अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, टाउ बराबर पीई यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, यानी कि 50 नंबर के इधर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो इस वीडियो पर मैंने आपको 50 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दिया, इस वीडियो को शेयर कर दिया अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बस तब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।